क्या अब जम्मू कश्मीर से जल्द ही अफस्फा हटने वाला है? ये सवाल उठा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान से। दरअसल शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी अफस्फा को वापस लेने पर विचार करेगी। शाह ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि सरकार की योजना जम्मू कश्मीर में तैनात सैनिकों को धीरे धीरे बैरक में भेजने और कानून व्यवस्था को अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन आज वे अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। बात अफस्फा की करें तो ये अशांत क्षेत्रों में सक्रिय सशस्त्र बलों के कर्मियों को लोक व्यवस्था कायम रखने के लिए जरूरत होने पर तलाशी लेने, गिरफ्तारी करने और गोली चलाने की व्यापक शक्तियाँ देता है। शाह ने कहा कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को स्थापित करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा है और इसे पूरा किया जाएगा। हालांकि ये लोकतंत्र केवल 3 परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा और लोगों का लोकतंत्र होगा। शाह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK को लेकर कहा कि BJP और संसद का मानना है कि POK भारत का अभिन्न अंग है। इसके साथ ही शाह ने जम्मू कश्मीर के युवाओं से पाकिस्तान की साजिशों से दूर रहने का अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा, आज पाकिस्तान भूख और गरीबी की मार से त्रस्त है और वहाँ के लोग भी कश्मीर को स्वर्ग के रूप में देखते हैं। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई कश्मीर को बचा सकता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं।